वहां पे हम लोग कल ब्लॉक ग्रुप और पीरियड ये सारा चीज हो गया था ना। यस आज हम लोग और नोमेनक्लेचर भी बता दिए थे, 100 से ऊपर कैसे लिखना है। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे करेंगे, लेक्चर 3। ठीक है, आज हम लोग ट्रेंड स्टार्ट करेंगे, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं, ये फर्स्ट जो फैक्टर है, ये है एटॉमिक रेडियस। दिख रहा है सबको? बोलो। यस सर। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, एटॉमिक रेडियस को, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन होता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, एक मिनट, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से और कहाँ तक, आउटर मोस्ट सेल जो होगा उस एटम का, तो वहां तक का जो भी डिस्टेंस आएगा उसी डिस्टेंस को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हम लोग न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, अभी आयंस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, इसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। अब एटॉमिक रेडियस थ्री टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला जो होता है इसमें फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या हुआ कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग का स्टार्ट हो गया होगा, हुआ है स्टार्ट? यस सर। तो उसमें पढ़े होगे कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली कैसे होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है ना। यस। और ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं मतलब वहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो दो कोवेलेंट एटम्स जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इनके कुछ पोर्शन जो है ओवरलैप करेंगे करेंगे ना इनके ऑर्बिटल्स, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट रेडियस की जो बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे, जो दो एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे। ठीक है, और इसका हाफ कर देंगे हम लोग। मान लो इसका सेंटर है पहले वाले का C1, दूसरे वाले का सेंटर है C2, तो कोवेलेंट R कोवेलेंट जो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट रेडियस, तो क्या हो जाएगा C1 C2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, C1 C2 के बीच का लेंथ। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो यही जो डिस्टेंस आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा होगा। तो पहला ये रेडियस हो गया कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट होता है मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस ये मेटल्स के केस में होता है, मेटल में पढ़े होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ओवरलैप नहीं होता है, मेटल में जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, सारे एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, पढ़े हो ना, ये एटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं मेटल्स में, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे जो कोवल मेटालिक रेडियस की बात करेंगे, देखो बात सब में सेम है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे और उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान लो ये C1 है, ये C2 है, तो R मेटालिक इस केस में क्या हो गया, C1 C2 by 2। ठीक है, R मेटालिक that is equal to C1 C2 by 2। ठीक है, तो यही है मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट है इसी में तीसरा जो रेडियस होता है ये है वांडर वाल रेडियस। ठीक है, वांडर वाल्स रेडियस। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली में देखो वांडर वाल फोर्स जो एक्ट करता है, ये जनरली दो मॉलिक्यूल्स, दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट्स बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या तो दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा या फिर नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में। ठीक है, और बिटवीन ऐसे लिख देते हैं, और बिटवीन एटम्स ऑफ नोबल गैसेस,
ठीक है, या तो दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि बहुत ही वीक फोर्स होता है ये जो वंडरवाल फोर्स होता है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है ये वंडरवाल फोर्स जो होता है बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वीक फोर्स होने की वजह से इनमें डिस्टेंस जो होगा ना बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल वन एज्यूम करते हैं और दूसरा कोवेलेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसको मॉलिक्यूल टू एज्यूम करते हैं, तब इसमें क्या है, एक बहुत ही वीक इंटरैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करता है। और इनमें जो यहाँ पे निकालोगे वंडरवाल रेडियस की जो बात करेंगे, इन दोनों के डिस्टेंस को, जो दो एटम्स आपस में कॉन्टेक्ट में है, इसका ये वाला एटम और ये वाले मॉलिक्यूल का इधर वाला एटम, ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे, मान लो ये यहाँ पे सी वन है और ये सी टू है, और इसको ज्वाइन करके इसका यहाँ पे हाफ कर देंगे हम लोग, ठीक है, सब में वही चीज है। तो आर वंडरवाल क्या हो गया यहाँ पे, रेडियस वंडरवाल अगर हम लोग बात करें तो सी वन सी टू बाय टू, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस ज्वाइन करना है, उसका हाफ कर देना है। अब यहाँ पे इन तीनों में बताना, अगर हम लोग कंपेयर करें इन तीनों में तो क्या आएगा, कौन सा रेडियस सबसे बड़ा है इन तीनों रेडियस में से? सर वंडरवाल। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, आर वंडरवाल ये सबसे ग्रेटर हो गया, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, मेटालिक रेडियस। आर मेटालिक, और तीसरा जो होगा सबसे छोटा जो रेडियस होगा इनमें से आर कोवेलेंट होगा, ठीक है, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना। तो वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा, मेटालिक रेडियस सबसे छोटा, और कोवेलेंट रेडियस जो है वो और भी छोटा, ठीक है, मेटालिक से भी वो छोटा। बात समझ में आया? तो एटॉमिक रेडियस के ये थ्री टाइप्स होते हैं, कोवेलेंट, मेटालिक, ठीक है, बोलो। यस सर, समझ गए। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं एटॉमिक रेडियस का इफेक्ट करते हैं। पीरियाडिक टेबल में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, एटॉमिक रेडियस आर, ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको कि जेड इफेक्टिव से भी डिनोट करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखो एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज हम लोग किसको बोलते हैं, कि न्यूक्लियस जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो वही न्यूक्लियस जो है जितना फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो लगाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन यहाँ पे एक टर्म लग रहा है इफेक्टिव, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस जितना चार्ज लगा रहा है, मतलब न्यूक्लियस के जितना फोर्स लगा रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वहां पे सिर्फ अभी हम लोग अट्रैक्शन फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी एटम में, क्योंकि एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो बाहर वाला सेल होगा उसके अंदर वाले शेल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? होंगे? Yes, sir. तो वो अंदर, अभी हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अंदर वाला जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज नेगेटिव ही है, तो हम लोग को पता है कि अगर सिमिलर चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे
या किसी भी एटम्स पर सिमिलर चार्ज अगर होगा तो सिमिलर चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, तो वो चीज क्या हो रहा है, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, तो उसको हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी कंसिडर करने लगेंगे, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो कर रहा होगा ना, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स वहां काम नहीं कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी काम कर रहा होगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सारे मिलके बाहर वाले को रिपेल कर रहे होंगे। तो इसका मतलब न्यूक्लियस जितने फोर्स से खींचना चाह रहा था उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, वो उतने फोर्स से अब खींच पाएगा क्या? अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कंसिडर नहीं करें तो वो उतने फोर्स से खींचता न्यूक्लियस, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एक्ट तो करता है ना, तो मतलब जितना एक्चुअल चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, जितना प्रोटॉन का चार्ज है उसके पास, उतने टोटल चार्ज से वो उसको नहीं खींच पाएगा, क्योंकि अंदर वाला सारा इलेक्ट्रॉन्स मिलके उसको बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। तो दोनों फोर्स का नेचर क्या है, अपोजिट नेचर का, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये जैसे न्यूक्लियस है यहाँ पे अंदर, ठीक है, ये मान लो ये एक सेल है और ये बाहर वाला सेल है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाले सेल में मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये मान लेते हैं ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन अंदर वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों मिलके इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा ना, रिपल्सन फोर्स, इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा, बाहर के डायरेक्शन में ही लगेगा। तो जितने फोर्स से ये खींचना चाह रहा था इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस जितने फोर्स से खींचना चाह रहा था उतने फोर्स से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो सिर्फ अट्रैक्शन कंसिडर करते तो हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी जब कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो भी रोल में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज कर लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि वो अब जितने फोर्स से वो खींचना चाह रहा था उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, उससे कुछ कम हो जाएगा फोर्स उसका, ठीक है। तो उसी डिक्रीज जो होता है वो टर्म, उसका न्यूक्लियस का जो चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज अगर हो जाता है, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ रहा है? ठीक है, हेलो। यस सर, तो बात समझ में आ गया, इफेक्टिव क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? हाँ या नहीं? यस सर। चलो नहीं। अब न्यूक्लियर क्या, नहीं समझ में आया बताओ सर? कुछ नहीं समझ आया। सुनते भी हो? हाँ सर सुने। कुछ भी नहीं समझ में आया तुमको? नहीं सर। ये तो पढ़े हो ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड, तो यहाँ पे अंदर वाला एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस जो मेजर करते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस होता है सर? न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक का। कौन सा ऑर्बिट? बाहर वाला। तो अंदर में न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव चार्ज है। तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा या बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा? सर अंदर की तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स मान लेते हैं कुछ F1 है, जो न्यूक्लियस F1 फोर्स लगा रहा है, ठीक है? यस सर। तो ये होता है न्यूक्लियर चार्ज, जब हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस का रिपल्सन सॉरी न्यूक्लियस का सिर्फ जब अट्रैक्शन हम लोग काउंट करेंगे तो वो सिर्फ हो गया न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी कंसिडर करने लगेंगे तो जितना फोर्स F1 लगाना चाह रहा था अब वो उतना नहीं लगा पाएगा ना, क्योंकि ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये रिपल्सन फोर्स। यस सर लगेगा। तो अब जो नेट फोर्स एक्ट करेगा, ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है।
यस सर। तो यही एफ नेट जो इफेक्टिव कितना फोर्स न्यूक्लियस लगा पा रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इसी नेट फोर्स को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ गए। तो इससे पहले भी तो यही बताए थे, उस समय क्या हुआ था सर? नहीं समझ। तो इसका मतलब सर न्यूक्लियस पे जितना चार्ज लगना चाहिए उतना चार्ज लगता नहीं है? क्या चीज सर? आप बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये है ना कि जो न्यूक्लियस पे जितना चार्ज लगना चाहिए उससे कम ही ना चार्ज लगेगा? हाँ, तो इसलिए तो इफेक्टिव यूज कर रहे हैं। पर न्यूक्लियस जो, पर सर जो न्यूक्लियस चार्ज लगाएगा वो इलेक्ट्रॉन पे सब पे इक्वल लगेगा कि सामने वाला पे ज्यादा और लास्ट वाला पे कम, ऐसा कुछ होगा? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स होता है ना, ये तो ऑलरेडी हम लोग देखे ही है। आर पे डिपेंड करता है, तो जो सबसे क्लोज है उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, जो दूर होगा फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम लोग बोर्स मॉडल में भी देखे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब बता रहे थे एफ का जो फॉर्मूला बताए थे 1/4πε0Q1Q2r2 था ना, तो आर के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स, क्योंकि आर अगर बढ़ेगा डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैग्नेट की तरह होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो दो मैग्नेट अगर रखे हो तो मैग्नेट के बीच के डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाओगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो। वही चीज यहाँ भी है कि दो चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका फोर्स भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है मतलब कितना इफेक्टिवली अब न्यूक्लियस जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है, इफेक्टिवली। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कंसिडर कर लिए, सारा चीज कंसिडर करके इफेक्टिवली जितना फोर्स लगा रहा है उसी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो ये जेड इफेक्टिव जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, उतना छोटा होगा। समझ में आ रहा है? जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा हुआ तो मतलब ज्यादा फोर्स लग रहा है, और फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तो आउटर मोस्ट सेल किसकी तरफ आएगा, न्यूक्लियस की तरफ आएगा, तो न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो वो रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? बोलो हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर। अरे तुम रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का न्यूक्लियस का बढ़ेगा तो साइज क्या होगा एटम का, या रेडियस क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब कि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा है। समझ में आ रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दिया तो उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा ना, अपनी तरफ अगर ज्यादा खींचेगा तो साइज उसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा साइज, तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम लोग, कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस जो है ये घटेगा, या साइज ऑफ द एटम जो है वो घटेगा। तो पहला फैक्टर हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ शेल्स, जिसको के एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ते जाएगा, मान लो किसी एटम के पास एक सेल है, किसी एटम के पास दो सेल है, किसी के पास तीन सेल है, तो जैसे जैसे सेल बढ़ाते जाओगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस भी तो बढ़ते जा रहा है। Yes, sir. तो वो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। तो
तो नंबर ऑफ शेल एन अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो दूसरा फैक्टर हो गया नंबर ऑफ शेल्स। तीसरा जो होता है ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये है क्या एक्चुअली, देखो इसमें हम लोग बोलते हैं वही चीज जो अभी बताए तुम लोगों को कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है ना। न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना चाहेगा, लेकिन अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। मतलब न्यूक्लियस उसको अंदर की तरफ खींचना चाह रहा है और अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताओ। Yes. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे देख रहे हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो दोनों के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो अंदर के डायरेक्शन में लगेगा या बाहर के डायरेक्शन में लगेगा, बाहर के डायरेक्शन में। बोलो सर, वो दोनों पे ना लगेगा सर, और दोनों को एक ही डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यानी कि ओपोजिट में, दोनों ओपोजिट में करेगा रिपेल। क्या बोल रहे हो तुम सर, आप ही ना बोले सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में किस रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाएगा, इसलिए दोनों एक ही पॉइंट मतलब ओपोजिट डायरेक्शन रिपेल करेगा। हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट देख रहे हैं बाहर वाले पे, बात समझ रहे हो। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तो रिपेल ही करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स वो कहाँ लगेगा, बाहर लगेगा या अंदर लगेगा, तो बाहर की तरफ लगेगा। हाँ तो फिर वही तो बता रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। चलो तो यहाँ पे वही चीज देखो, अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके वो आउटर मोस्ट, हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंसेंट्रेटेड है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक साइज उसी से डिसाइडेड होगा, ठीक है। पहले ही डेफिनेशन बता चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, उसी के बीच का डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी दोनों पे कंसेंट्रेट करेंगे, न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, बात समझ में आ रहा है। तो उसी में बोल रहे हैं न्यूक्लियस क्या कर रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ठीक है। तो अंदर के डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, लेकिन अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं इनर शेल्स में वो क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस अगर उसको F1 फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा था तो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर F2 फोर्स से उसको बाहर की तरफ पुल करेंगे, बाहर की तरफ वो फोर्स लगाएंगे। तो एक तरह से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से शील्ड की तरह काम कर रहा है, एक तरह से स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक शील्ड की तरह है या नहीं। क्योंकि न्यूक्लियस क्या करना चाह रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, लेकिन अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके उसको खींचने से बचा रहे हैं, मतलब उसको बाहर की तरफ रिपेल कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हेलो। यस सर, हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है
सर कि इलेक्ट्रॉन सर जब न्यूक्लियस किसी पे भी इफेक्ट डालेगा तो सभी पे डालेगा, यानी जो उसके जो सबसे नियरेस्ट वाला होगा वो तो अंदर खिंचा जाना चाहिए क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है अगल बगल में, ऐसा तो होता नहीं है सर? जो बता रहे हैं वो सुनो, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? यहाँ देखो, ये एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है? मान लो सोडियम एटम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? सोडियम एटम कंसिडर कर रहा है, तो सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281 होता है, है या नहीं? यस सर। चलो, तो यहाँ पे ये एटम है मान लो, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है और ये n इक्वल टू 3 है। तीन शेल हैं इसके पास, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है? उसके बाद पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो डिस्टेंस मेजर होगा वो न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है? तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो ये मान लेते हैं F1 फोर्स से न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये सारे अंदर वाले जितने इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल्स में, जो इलेक्ट्रॉन है पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंडली मिलके ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, क्योंकि अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब ये F2 फोर्स जो है उस पे बाहर के डायरेक्शन में लगाएगा। तो एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा था, लेकिन अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस से खींचने से उसको बचा रहे हैं। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये सारा एक तरह से क्या कर रहा है? एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है? क्यों शील्ड की तरह काम कर रहा है? शील्ड क्यों यूज किया जाता है? प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ना, ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, लेकिन अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके उसको खींचने से बचा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके। तो इसी इफेक्ट को जो है, ये जो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है शील्ड की तरह या स्क्रीन की तरह काम करते हैं, तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है? तो दोनों टर्म्स का मतलब सेम ही है, आइदर शील्डिंग यूज करो या फिर स्क्रीनिंग यूज करो, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है? तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरह से शील्ड की तरह एक्ट करते हैं, किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ऐसे कि द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, स्क्रीनिंग ऑफ आउटर मोस्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल, बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल्स is known as shielding effect, ठीक है? ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है shielding effect। तो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल के जो है एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहे हैं, किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है? तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज बताना, शील्डिंग इफेक्ट कैसे एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है? तो अगर मान लो शील्डिंग यहाँ पे पुअर हो गया, शील्डिंग कमजोर है यहाँ पे, मतलब वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है, अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो शील्डिंग पुअर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया?
अगर शील्ड अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है उसको. तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन शील्डिंग इज पुअर, attraction force of the nucleus on the outermost electron, ये क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, क्योंकि shielding poor है तो increase कर जाता है. as a result of which atomic radius decreases. ठीक है, तो ये चीज हुआ. शील्डिंग अगर पुअर है मतलब शील्डिंग अगर कम हो रहा है, तो शील्डिंग कम होने का मतलब क्या हुआ, शील्डिंग अगर डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि शील्डिंग अगर घट रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी घटेगा. ठीक है, पुअर शील्डिंग मतलब एटॉमिक रेडियस कम होगा, लेकिन शील्डिंग अगर इफेक्टिव हो, शील्डिंग अगर अच्छा होगा, ठीक है, अगर अच्छा शील्डिंग कर रहा है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छे से शील्ड कर पा रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया मतलब जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, और जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि शील्डिंग अगर इफेक्टिव है तो शील्डिंग इफेक्टिव होने का मतलब शील्डिंग बढ़ रहा है, शील्डिंग ज्यादा है, तो इसका मतलब एटॉमिक शील्डिंग ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, मतलब जेड इफेक्टिव कम हो गया, और जेड इफेक्टिव अगर कम हो गया तो रेडियस बढ़ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं, शील्डिंग पुअर है, ठीक है, ये पुअर शील्डिंग है, तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, जेड इफेक्टिव कम हो गया, सॉरी जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो गया. शील्डिंग अगर इफेक्टिव है, शील्डिंग मतलब ज्यादा अच्छा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, मतलब जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, और जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा. तो ऐसे शील्डिंग इफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं हम लोग कि शील्डिंग अगर अच्छा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, और शील्डिंग अगर पुअर होगा तो एटॉमिक रेडियस भी कम होगा. समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है, तो ये हुआ शील्डिंग इफेक्ट. तो ये तीन फैक्टर होते हैं जो एटॉमिक रेडियस को इंपैक्ट करते हैं. पहला हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो हम लोग देखे थे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. दूसरा जो होता है वो नंबर ऑफ शेल्स था, तो नंबर ऑफ शेल्स डायरेक्टली था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. और तीसरा फैक्टर कौन सा होता है? तीसरा फैक्टर क्या है? स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट. हाँ, तो ये डायरेक्टली है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. ठीक है, क्योंकि शील्डिंग अगर पुअर है तो एटॉमिक रेडियस भी कम हो रहा है, और शील्डिंग अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. तो ये तीन फैक्टर होते हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को इम्पैक्ट करते हैं. यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि शील्डिंग पावर जो होता है ना ऑर्बिटल्स का, ऑलरेडी ऑर्बिटल्स तुम लोग पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स. तो एस ऑर्बिटल जो है ना वो सबसे अच्छे से शील्ड करता है, एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में हम लोग देखें कि एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, मतलब उसमें बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, कि एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उसका शील्डिंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस का होता है, जिसकी वजह से एस का शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा। उसके बाद पी, क्योंकि पी में होता है कि साइज ऑर्बिटल का बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि साइज अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसका डेंसिटी ओवरऑल वो कम हो जाता है। तो डेंसिटी अगर कम हो गया तो उसका शील्डिंग पावर भी कम हो गया। डी में साइज और बड़ा हो जाता है ऑर्बिटल का, साइज बड़ा होने की वजह से उसका डेंसिटी और भी कम हो जाता है, इसलिए उसका शील्डिंग पावर भी और कम हो गया। और एफ का शील्डिंग पावर बिल्कुल पुअर होता है, वेरी पुअर शील्डिंग पावर एफ में जो है, वेरी पुअर शील्डिंग पावर, क्योंकि इसका इतना बड़ा साइज होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग ऑलमोस्ट बहुत ही कम एज्यूम करते हैं। तो इसका शील्डिंग इफेक्ट जो एफ का होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही एज्यूम करते हैं हम लोग, बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो ये ध्यान रखना कि एस ऑर्बिटल सबसे अच्छा शील्ड करता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और सबसे पुअर शील्डिंग किसका है, एफ का। ठीक है, तो ये हो गया शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो, तो ये हो गया, हम लोग फैक्टर्स भी देख ली। इसमें देखो एटॉमिक रेडियस हम लोग देखे थे, एक नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं आयोनिक रेडियस। अभी हम लोग न्यूट्रल एटम की बात कर रहे थे इससे पहले, अब हम लोग आयंस की बात करेंगे। आयंस दो टाइप से बनते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है अनायंस। कैटायन कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से? बताओ, कैटायंस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और अनायंस होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। पढ़े हो ना ये? यस सर। यस सर। तो दो टाइप के आयंस होते हैं, कैटायंस और एक अनायंस। तो इसमें पढ़े होगे तुम लोग, ये भी पहले पढ़े होगे कि कैटायन का साइज जो होता है ये हमेशा उसके पैरेंट एटम, कैटायन इज स्मॉलर, देन इट्स पैरेंट एटम। बात समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? मतलब जैसे मान लो Na है, तो Na अभी न्यूट्रल एटम है, मान लो इसका कैटायन बन गया Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दिया तो ये Na प्लस बन गया। तो कैटायन का साइज है, यहाँ पे अगर हम लोग साइज कंपेयर करें तो कैटायन का साइज Na प्लस का साइज जो है हमेशा अपने पेरेंट एटम से ये छोटा होगा, मतलब कैटायन जो है हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। ठीक है, इसका यहाँ पे डेटा भी अवेलेबल है। Na का जो एटॉमिक रेडियस है ये 186 पिकोमीटर होता है, लेकिन Na प्लस का जो है ये 95 पिकोमीटर हो जाता है, बहुत ही कम हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। ठीक है, तो ये रीजन बता सकते हो क्यों, कोई बताओ क्यों कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है? बताओ बताओ, ये अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, एक अट्रैक्टिव फोर्स था और दूसरा इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स था। ठीक है, जेड इफेक्टिव में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दो टाइप का फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक रिपल्सिव फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये कम होगा, मतलब कैटायन बन रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा, समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन का वैल्यू भी तो कम होगा। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का अगर नंबर ही कम होते जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर कम होते जाएगा तो उसके बीच का रिपल्सन का वैल्यू भी तो कम होगा ना। यस सर। क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर उतना ही है, प्रोटॉन का नंबर चेंज हो रहा है क्या? नो सर। तो प्रोटॉन जितना फोर्स लगा रहा था पहले वो उतना ही फोर्स लगाएगा, मतलब Na में जितना फोर्स प्रोटॉन लगा रहा था Na प्लस में भी उतना ही फोर्स लगाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन के चार्ज में कोई अंतर आ रहा है? प्रोटॉन का चार्ज तो दोनों केस में सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होता है। तो प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज है वो कांस्टेंट है दोनों केस में,
बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैरी हो रहा है. तो Na में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, Na प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो रहा है तो कौन सा फोर्स कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा या रिपल्सिव फोर्स कम होगा, बताओ. हाँ, तो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू अगर कम हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ. जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा. ये एफ नेट की हम लोग बात कर रहे हैं. तो एफ नेट क्या था, ये एफ वन माइनस एफ टू था, समझ में आ रहा है. तो एफ वन तो ये अट्रैक्टिव फोर्स था और एफ टू जो है ये रिपल्सिव फोर्स था, ठीक है. तो एफ वन तो कॉन्स्टेंट है दोनों केसेस में, लेकिन F2 जो है ये केटायन में क्या हो गया, केटायन के केस में रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन भी कम हो जाएगा. तो ये F2 डिक्रीज कर गया. तो F2 अगर डिक्रीज करेगा तो F नेट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ. बढ़ेगा क्योंकि F1 कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है. F1 दोनों में चेंज नहीं हो रहा है. तो F2 अगर बढ़ेगा तो F नेट क्या होगा, बताओ. F2 को अगर बढ़ाओगे तो F नेट का वैल्यू क्या होगा, अब कोई कुछ बोल हेलो yes. आवाज आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है. अरे बोलो, रेस्पॉन्ड करो. बाकी लोग क्या कर रहे हो, हेलो. यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग बात कर रहे हैं केटायन के केस में. तो केटायन के केस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो रहे हैं तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू कम होगा. मतलब रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे F2 था, जो कि ये लिख देते हैं यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है. तो ये रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, F2 घट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया. तो इसमें देखोगे कि इसमें F1 अगर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो F2 अगर कम हो रहा है, ये वाला वैल्यू जो माइनस हो रहा है इसमें, ये अगर कम होगा तो यहाँ पे लिख रहा है कि F2 अगर डिक्रीज होगा तो F नेट का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा ना, समझ आ रहा है. F2 जितना छोटा होते जाएगा F नेट उतना बड़ा होते जाएगा. तो F2 जितना कम होगा F नेट उतना ज्यादा होगा, और F नेट ज्यादा हो रहा है मतलब Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले शेल पे ज्यादा हो गया. और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर बाहर वाले शेल पे ज्यादा हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, वो साइज आर जो होता है, ये रेडियस, ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा. बात समझ में आया. yes, sir. ये केटायन के केस में है. एनायन में भी ऐसे ही बात कर सकते हैं हम लोग कि एन अनायन इज क्या, स्मॉलर होगा या लार्जर होगा, देन इट्स पैरेंट एटम, ठीक है. ये जस्ट उसका उल्टा हो गया. तो एनायन देखो कैसे फॉर्म होता है, जैसे यहाँ भी एक डेटा है, ठीक है, जैसे F है, तो F का जो एटॉमिक रेडियस है ये 64 पिकोमीटर है, लेकिन यही एनायन अगर बन गया, F माइनस अगर बन गया, ठीक है, तो F माइनस का जो एटॉमिक रेडियस है 136 पिकोमीटर है. तो देख रहे हो ना कितना डिफरेंस है, कितना बढ़ गया. तो यहाँ भी वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं हम लोग. F नेट जो है, Z इफेक्टिव की बात करते हैं हम लोग, F1 माइनस F2. F1 अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का, और F2 जो है रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है या घट रहा है एनायंस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है या घट रहा है, जल्दी बोलो. सर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. तो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो F1 तो उतना ही रहेगा, F1 तो कांस्टेंट रहेगा,
लेकिन F2 का वैल्यू इस केस में रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, और F2 अगर इंक्रीज करेगा तो F नेट क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि F2 जितना ज्यादा बढ़ेगा F नेट का वैल्यू उतना कम होगा, ठीक है। F2 जितना ज्यादा होगा F नेट उतना कम होगा यहाँ पे। तो F नेट अगर कम हो गया तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि Z इफेक्टिव का वैल्यू भी क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, क्योंकि F नेट यही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही है। तो F नेट ही अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स जो है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो रहा है, और ये अगर कम हो गया तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि Z इफेक्टिव जो है एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो Z इफेक्टिव अगर कम होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। तो इसीलिए एनायन के केस में क्या होता है कि एनायन हमेशा अपने पैरेंट एटम से बड़ा होगा और कैटायन हमेशा अपने पैरेंट एटम से छोटा होगा, ठीक है। तो यही है एक्सप्लेनेशन इसका। बात समझ में आया, देख लो एक बार, किसी को भी डाउट है तो पूछो जल्दी। हेलो, यस सर, सबको समझ में आ गया? डाउट है तो पूछो। समझ आ गया सर। तो कैटायन हमेशा अपने पैरेंट एटम से बड़ा होगा या छोटा होगा, बोलो। छोटा होगा। और अनायन हमेशा अपने पैरेंट एटम से बड़ा होगा, मतलब खुद के पैरेंट एटम से, दूसरे वाले न्यूट्रल एटम से कंपेयर मत कर लेना, ठीक है। यस सर, समझ में आ रहा है ना, वहां पे वो चेंज हो जाएगा, वो वेरिएशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे पीरियोडिक टेबल में वैरी करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे एटॉमिक रेडियस चेंज होगा और टॉप टू बॉटम आने पे ग्रुप में कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो अभी फैक्टर्स हम लोग देख लिए, कितने टाइप्स के एटॉमिक रेडियस होते हैं वो भी देख लिए, आयोनिक रेडियस कैसे होते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसमें देख लो, किसी को कुछ पूछना है एक बार देख के रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे ये वेरिएशन होता है और क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो जनरल ट्रेंड को, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, किस में एक्सेप्शन आएगा, वो सारा चीज भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? नो सर। हेलो, बोलो जल्दी। नो सर नहीं है। चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, यहाँ तक एक बार पढ़ना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास? यस सर। तो उसमें एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट वो एक बार रीड करके देखना, ठीक है, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद एनसीईआरटी उठा के एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन रीड करो। यस, ठीक है, तो ये रीड करना। क्वेश्चंस अभी नहीं बनेगा इसका, ठीक है, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में जब बता देंगे नॉर्मल ट्रेंड और एक्सेप्शंस, तब फिर उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो थैंक यू। थैंक यू। चलो।